कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होता है, वन के बराबर प्लस में कॉस 45 है तो कॉस 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2 प्लस में साइन 30 का मान कितना होता है आपका 1/2। इसको एक तरफ ले लीजिए, गुना करना है आपको किसके साथ, तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान भी हुआ आपका 1 माइनस में कॉस 45 का मान ऑल्सो आपका 1/√2 एंड लास्ट में आपका प्लस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। सेम टू सेम चीज़ ही है, बस यहाँ पर 1 और 1/2 का भिन्न का जोड़ कर लो पहले 1 एंड 1/2 का। अच्छा चलो पूरे क्या कर लेते हैं हम लोग, पूरे क्या कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा आपका 2√2। कितना हो जाएगा एलसीएम, 2√2 हो जाएगा, और 2√2 का गुना करोगे यहाँ पर एक के साथ ये भी आपका 2√2 प्लस में √2 से √2 कैंसिल होगा, ऊपर आपका 2 चल जाएगा और यहाँ पर 2 के साथ होगा तो ये आपका √2 पर चला जाएगा। ठीक है इतना, चलो नेक्स्ट स्टेप में इधर आपका देखोगे इधर भी एलसीएम क्या होगा आपका 2√2 होगा, गुना करोगे यहाँ पर ये भी आपका 2√2 माइनस में रहेगा, √2 से √2 कैंसिल, 2 ऊपर जाएगा, प्लस का प्लस लगा हुआ रहेगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, √2 ऊपर जाएगा। ठीक है अब इन दोनों का चलो गुना करते हैं, इन दोनों का गुना जैसे कीजिएगा तो क्या रिजल्ट आने वाला है, पहले √2 यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है आपका 1, तो √2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 3√2 हो जाएगा, आप प्लस में 2 बटा में क्या है आपका 2√2 का 2√2 रहेगा ही रहेगा। इधर के केस में देखेंगे तो √2 2 यहाँ पर भी आपका 1 है, तो कुल मिला के देखें यहाँ पर तो आपका इधर भी हो जाएगा आपका 3√2 माइनस में 2 बटा में 2√2 का 2√2 जिंदाबाद। ठीक है सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तीन दोनों का प्रोडक्ट करिए तो ये आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी के टर्म में आ रहा है कुछ ऐसा, देखो तो जरा यहाँ पे 3√2 प्लस में 2 और इधर का 3√2 और माइनस में 2, नीचे वाले केस का नीचे का साथ गुना करिए, 2 में 2 से गुना कीजिएगा 4 और गुना में √2 का √2 से कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 3√2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 का भी होल स्क्वायर डिवाइड में आपका 8 का 8 रहेगा। अब 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर हो गया 2, 9 दूनी का 18, अब माइनस में इधर आपका 2 का स्क्वायर 4 बटा में आपका 8 का 8 है, 18 में से 4 घटाइए कितना आ जाएगा 14, 14/8, 14/8 को जब सॉल्व करोगे तो आपका 7 दूनी 14 तो 2 चौका 4 दूनी का 8 ले लो तो 7/4 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 7/4 आएगा इसका आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।